बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th के फर्स्ट लेक्चर में आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स को हम डिस्कस करेंगे आज। और जनरल मैथमेटिक्स आज उसका पहला लेक्चर है। और जनरल मैथमेटिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 की बेसिक जितने भी बातें हैं आज हम डिस्कस करेंगे, जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तीन टाइप्स होती हैं, पॉलीनोमियल हो गया, रैशनल एक्सप्रेशन हो गया, और उसके बाद इरेशनल एक्सप्रेशन हो गया, प्रॉपर इम्प्रॉपर हो गया। तो उसे आज हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तवज्जो दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो जरा देखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम डिस्कस करते हैं आज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो हम क्या लिखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शामिल होते हैं नंबर्स एंड लेटर्स। नंबर्स शामिल होते हैं और लेटर्स शामिल होते हैं। उन नंबर्स और लेटर्स के साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशनल साइन भी होंगे, विद ऑपरेशनल साइन, विद ऑपरेशनल साइंस। कौन कौन से? माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और वो डिवाइड भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो दीज साइंस, ये जब साइन दरमियान में लग जाता है किसी भी दो वैल्यूज के बीच में, तो उन वैल्यूज को क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास लिखा हुआ है 2xyz, ये एक ही एक्सप्रेशन है। क्यों? बीच में कोई साइन नहीं है। अगर ये साइन मैं बीच में लगा दूं, 2 और x और y z के बीच में मैं ये साइन लगा दूं, अब कितनी एक्सप्रेशन बन गई? 2। इसका मतलब है कि दीज ऑपरेशनल साइंस सेपरेट दी एक्सप्रेशंस इनटू डिफरेंट टर्म्स। ठीक हो गया कि जब ये साइन बीच में अप्लाई कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? डिफरेंट टर्म्स बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बात करना चाहूं कि हमारे पास कोई भी चीज अलग लिखी हुई है, 2x है प्लस 3y है, 2x है प्लस 3y है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए नंबर्स भी हैं और लेटर भी इन्वॉल्व हैं और ऑपरेशनल साइन भी दरमियान में है। एक और बात गौर से सुनिएगा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 5x2, तो इसमें जो हमारे पास 5 होगा वो हमारे पास होगा कोएफिशिएंट, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं अददी सर। ठीक हो गया। एक्स हमारे पास होता है बेस, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं असास। और स्केयर जो ऊपर हमारे पास है, इसे हम बोलते हैं पावर भी बोलते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसे हम कुव्वत नुमा भी बोलते हैं उर्दू में, कुव्वत नुमा जी। तो जरा देखिएगा, इसमें 2 और 3 क्या है? कोएफिशिएंट है। एक्स से पहले क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स प्लस वाई, इसका कोएफिशिएंट, स्टूडेंट्स क्या जो कोएफिशिएंट नहीं है भाई, जिसका कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, और जिस बेस की पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 हुआ, एक्स बेस हो गया, 1 पावर हो गया। इस चीज को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद अगर मैं कहूं 2x - 3y प्लस का 4z हो गया, तो इसमें 2, 3 और 4 क्या हैं? कोएफिशिएंट्स हैं। एक्स, वाई और जेड क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, नंबर वेरिएबल्स हैं, लेटर्स हैं। और प्लस और माइनस क्या हैं? इसमें हमारे पास ऑपरेशनल साइंस है। अब आइए जरा इसकी टाइप को डिस्कस करते हैं। जी, तो रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है? रैशनल एक्सप्रेशन को आइए डिफाइन करते हैं, और उसके बाद रैशनल एक्सप्रेशन की डिफरेंट कुछ कैटेगरीज हैं वो भी देखते हैं।
रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, रैशनल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स बाय क्यू एक्स, वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सप्रेशन वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी जो किसकी फॉर्म में हो, पी एक्स बटा क्यू एक्स की फॉर्म में हो, और क्यू एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पी एक्स और क्यू एक्स क्या होते हैं, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलीनोमियल्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलीनोमियल्स इन एक्स, एक्स की टर्म में पड़े हुए वो पॉलीनोमियल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं जरा कि व्हाट इज पॉलीनोमियल। अब इसमें बात आ गई है एक्सप्रेशन में वर्ड पॉलीनोमियल की, तो हम पॉलीनोमियल को डिस्कस करते हैं कि पॉलीनोमियल हमारे पास क्या होता है। जी, व्हाट इज पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल को डिफाइन करते हैं कि एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ, एन एक्सप्रेशन एक ऐसा जुमला विच कंसिस्ट ऑफ, जो मुश्तमिल हो, एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स, एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ मैनी टर्म्स, और ब्रैकेट में लिखिएगा हैविंग पावर ए पॉजिटिव इंटीजर, जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। कभी भी किसी एक्सप्रेशन की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो पॉलीनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं एक्स की पावर प्लस टू प्लस थ्री एक्स, तो ये क्या है, पॉलीनोमियल है। क्यों है, इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मस्बत डिजिट है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं आपको कहूं कि थ्री वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस फाइव, तो ये पॉलीनोमियल है, बिल्कुल पॉलीनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं आपको यूं कह दूं कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर वाई, तो ये पॉलीनोमियल नहीं है। दिखने में तो यूं लग रहा है कि इसकी पावर भी पॉजिटिव है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है, लेकिन तवज्जो दीजिएगा, अगर कभी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल की पावर है प्लस वन, वेरिएबल ऊपर जाके क्या बन जाएगा, वाई की पावर माइनस वन, ठीक हो गया। तो जब ऊपर जाएगा तो वाई की पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलीनोमियल नहीं है। और अगर हमारे पास आ जाए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन बाय नाइन, तो ये पॉलीनोमियल है। क्यों, डिनोमिनेटर में मैंने कहा वेरिएबल नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाए तो वेरिएबल ऊपर जाते हैं, कांस्टेंट कभी ऊपर नहीं जाते। तो वेरिएबल ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, जब नेगेटिव हो जाएगी तो रूल के खिलाफ हो जाएगा, जब रूल के खिलाफ हो जाएगा तो वो चीज पॉलीनोमियल आपकी नहीं होगी। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन भी आपकी पॉलीनोमियल है, यानी हर वो एक्सप्रेशन जिसकी पावर पॉजिटिव हो वो पॉलीनोमियल होता है, और जिसकी पावर नेगेटिव हो जाए वो पॉलीनोमियल नहीं होता। तो ये था कि वर्ड रैशनल एक्सप्रेशन में वर्ड आया पॉलीनोमियल, हमने पॉलीनोमियल को डिफाइन भी कर दिया और पॉलीनोमियल को कंप्लीटली तौर पे हमने डिस्कस भी कर लिया। अब अगली बात जरा देखिएगा, रैशनल एक्सप्रेशन की अब जरा दो टाइप्स हैं और उसको हम डिस्कस करते हैं। जी, टाइप्स ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन और इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है और रैशनल प्रॉपर इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, जरा तवज्जो दीजिएगा। डिस्कस करते हैं प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। इट इज द एक्सप्रेशन, इट इज द एक्सप्रेशन, ये वो जुमला होगा इन विच, जिसमें द डिग्री ऑफ,
the degree of numerator यानी px, एक बात याद रख लें, जो 2/7 आपके पास लिखा हुआ है इस मुकम्मल को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, और इस 2 को हम बोलते हैं न्यूमिरेटर, और 7 को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक हो गया, तो वो हमें क्या कह रहा है, इट इज द एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज लेस देन किस से, द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमिरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस हो, यानी कहने का मकसद यह है कि ऊपर अगर x प्लस 1 है तो नीचे होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7, कोई भी चीज। डिग्री की बात समझिएगा कि किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री कैसे बताते हैं। देखिएगा जरा, मैं अगर आपको कहूं कि हमारे पास लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 5, तो अभी स्टार्ट में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक जुमलों को हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि साइन लगने से टर्म सेपरेट हो जाती है, तो इसकी डिग्री आप लोग अलग देखेंगे साइन लग गया, इसकी डिग्री आप लोग अलग देखेंगे साइन लग गया, इसकी डिग्री आप लोग अलग देखेंगे। जरा तवज्जो दीजिएगा, डिग्री बताते वक्त कॉन्स्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स को नहीं देखा जाता, वेरिएबल्स को देखा जाता है। तो यहां x की पावर 2 है तो डिग्री 2 हुई, यहां x की पावर 1 है तो डिग्री 1 हुई, ये तो कांस्टेंट है। तो हाईएस्ट डिग्री बताई जाती है हमेशा, डिग्री इसकी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हुई, हाईएस्ट 2 है। अगर मैं आपसे कहूं y क्यूब z 4xyz प्लस 9g, तो जरा देखिएगा इसमें वेरिएबल्स का सेम होना भी जरूरी नहीं है। y क्यूब z एक एक्सप्रेशन है, तो पावर 3 और z की पावर 1, तो 3 और 1 क्या बन गया, 4 बन गया। 4 तो यहां पे क्या है, कोएफिशिएंट है, इसको छोड़े, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 9 तो कांस्टेंट है। तो हायर डिग्री देखिएगा कौन सी, 4, तो 4 इस एक्सप्रेशन की डिग्री है। तो डिग्री बताने का ये तरीका होता है। अब जरा देखिएगा, यहां पे रैशनल एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें न्यूमिरेटर की डिग्री लेस हो, यहां न्यूमिरेटर की डिग्री देखिए कितनी है, 1, डिनोमिनेटर की डिग्री देखिए क्या है, 2। क्या ऊपर वाले की डिग्री लेस है नीचे वाले से,